हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरी किचन। मैं हूं नेहा। आज हम बताएंगे बारबेक्यू चिकन विंग्स। ये रेसिपी बहुत इजी है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें देख लेते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे चिकन की पीस। ये स्किन वाली चिकन की पीसेस है। मैंने इसलिए लिया है चिकन स्किन वाले पीसेस ताकि जो हमारा चिकन विंग्स तैयार हो देखने में काफी अच्छा लगे और ये स्वादिष्ट तो बनेगा ही। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो हम डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। साथ ही डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। डाल देंगे इसमें हम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। और साथ में डालेंगे इसमें हम डाल देंगे इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे अच्छे से हम मसालों में कोट कर लेते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक मसाले यूज किया है, हर किसी के घर में अब इजी अवेलेबल होते हैं मसाले, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चिकन को मैंने अच्छे से यहाँ पे मैरिनेट कर दिया है। चिकन साइड में रखेंगे, लेंगे हम बेकिंग शीट, इस पर रखेंगे हम फॉइल। डाल देंगे इसमें हम ये चिकन के पीसेस। और इसे अच्छे से हम रैप कर देंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसे रैप कर दिया। इसे अवन में हम 180 डिग्री पे 1 घंटे के लिए पकाएंगे। 1 घंटा हो चुका है, मैंने चिकन को निकाल लिया है अवन से। इसे हम साइड में लेंगे हम एक प्लेट। इसे हम इसका कवर अच्छे से हटा देंगे। अभी जैसे चिकन हमारा अच्छे से पक गया है, एक घंटा मिनिमम है इसे पकाने के लिए। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चिकन को मैंने साइड में रख लिया है, हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे रख देंगे हम एक पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, करीब आधा चम्मच के करीब। और तेल को हम गर्म करने होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम डाल देंगे इसमें ये चिकन के पीसेस और इसे हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसे हम इस तरह से चारों तरफ से हल्का सा हम गोले ब्राउन कर लेंगे। अच्छे से भून गए, इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट से। और हम डालेंगे, इतना तेल काफी है सॉस के लिए, तो हम डालेंगे इसमें करीब 2 चम्मच बाजरे का सॉस डालेंगे इसमें, 2 चम्मच टमाटो का डालेंगे इसमें हम, 1 टेबलस्पून हनी बाजरे सॉस को बैलेंस करने के लिए, साथ ही डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच चिली सॉस। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, हमने चिकन को पकाते हुए नमक डाला था उसमें। डालेंगे इसमें हम ये चिकन की पीसेस और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमें सॉस में चिकन को अच्छे से कोट कर देना है। तो अब देखते हैं हमारे चिकन किस नीचे से सॉस में कोट हो गया है। हमें इस तरह से चलाते हुए चिकन को पकाना है। हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तैयार है हमारा बारबेक्यू चिकन भी। डालेंगे इस टाइम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स टेस्ट के लिए और इसे हम अच्छे से स्टर कर देते हैं। तो तैयार है हमारा बारबेक्यू चिकन विंग्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मेरी रेसिपी के साथ अपने यूट्यूब चैनल नेहा स्नेहा किचन में।